जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग के लिए आज हम फिर से एक दूसरा कंपटीशन लेकर आए हैं। मैंने एक सुना है कि एक जगह पर परी होती है, हमको तो ये बात मालूम नहीं है, लेकिन हमको एक आदमी से मालूम चला है जो कि हम लोग पहला चीज़ साबित कर दिए थे। मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको भी दिखा सकूँ कि क्या सही है क्या झूठ है। पहला चीज़ मैं ये दिखा था आपको कि एक आदमी बोला था कि अगर आप कोई भी डब्बे में ये सवाल का जवाब लिख देंगे तो परी जवाब दे देगी, जो कि आपके आँख के सामने था कि कुछ बात सही थी वो फेक था, वो भी चीज़ ख़त्म हो गया। दूसरा चीज़ कि अब हमको मालूम करना है कि कहाँ पर परी रहती है, हमको वहाँ पर जाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हम वहाँ पर जा रहे हैं और बात करते हैं पूरे डिटेल के। जैसा कि आप लोगों को हम उस दिन बोले थे कि यहाँ पे जिन और परियाँ रहती है, और हम लोगों से ये भी तय किया गया था कि हम लोग दिखाएंगे, और मेरा वीडियो डेली इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि अभी हम लोग कुछ काम में बिजी हैं, तो आप लोग को हम दिखा दें तो वो पूरा इंटरफेस देख लीजिए, जो कि शाम के वक्त हम आए हैं, ठीक है ना, पूरा देख लीजिए। जो कि हम लोग से यहाँ पर चैलेंज किया गया था कि यहाँ पर परियाँ जिन्नात वगैरह वगैरह कुछ रहते हैं पूरे, तो आज हम इसी को खोज करेंगे, बताएंगे कितना सच है कितना झूठ है। तो वीडियो में पूरा बने रहिए, बात करते हैं पूरा डिटेल के साथ। सबसे पहले तो हम लोग एक बात बता दें कि एक आदमी को यहाँ पे परिया दिखा था। थोड़ी सा हम आगे चलते हैं ना, वहाँ से और अच्छे से दिखेगा। एक मिनट, आप लोगों को हम यहाँ पे दिखाते हैं। जैसा मैं कि यही वो इंटरफेस वहीं एक जगह है जहाँ पे एक टूटा हुआ बहुत ही पुराना गाछ है। मैंने सुना था कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ था और उसे ये चीज़ दिखा था, परी दिखी थी। इसी जगह पे आप देख सकते हैं, यही इंटरफेस है, इसी जगह पे बैठा था। और मतलब कि जैसे नहीं होता है, जैसे कि कभी बैठते हैं कोई काम करते हैं तो बंदा यहाँ पर बैठा था, और यहाँ पर देख सकते हैं सामने का जो इंटरफेस दिख रहा है उधर वो कुछ देखा था। और ये रात का टाइम नहीं था जो कि ये दिन का टाइम था, और आप लोग भी जानते हैं कि दिन में भी परियां दिख सकती है। मुझे तो मालूम नहीं है, यहाँ पे बैठा तो वहाँ पे दिखा, बिना साधना के बिना अमल के दिखा था यहाँ पे। और मैं सुना हूँ कि ये जो बड़ा जो पौधा दिख रहा है, ये जो पेड़ दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा नज़दीक में जाकर। ये जो आप पेड़ दिख रहे हैं ना, ये जो पेड़ ऊपर मैं दिखा देता हूँ, ये पेड़ उसी पर कोई जिन या परी वहीं पे बहुत से आदमी को दिखता है, जो कि इधर से सब आदमी देख सकते हैं इस पे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने सुना था, हम लोग अकेले आए हैं बिना कोई कवच के बिना कोई चीज़ के, देखते हैं हमें कोई दिखता है या नहीं दिखता है, ठीक है ना। हमको तो लगता है कि दिखेगा, मगर देखते हैं, हमको तो अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता, सुनसान रास्ता है, देख सकते हैं पूरा अंधेरा का टाइम है, अंधेरा वातावरण है। वहाँ पे इस चीज़ को दिखाया गया, देखिए सच में ये कितना मतलब कि डरावना इंटरफेस है, विदाउट हम लोग कवच के। और हम लोग थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं आप लोगों को क्या सही है क्या झूठ है। मैं बस एक ही यही चीज़ बोलूँगा कि बिना अमल के परियां नहीं होती, क्योंकि मुझे कभी दिखा नहीं है, ठीक है ना। कुछ हम लोग अंदर जाके देखते हैं, हो सकेगा तो कहीं अंदर भी हम लोग को दिख सकता है, फिर भी कोई बात नहीं, और आगे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लोग को ये इंटरफेस जैसे कि दिख रहा है, ये थोड़ा गड्ढा है, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं कि यहाँ पर क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो हम लोग इस गड्ढा के अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग को डर लगता है कि कहीं मान के चलो ये कुछ हो ना जाए, बहुत ही डरावना। और यहाँ पे मैंने सुना है कि बहुत सारे मुर्दे भी दफनाए गए हैं, जो कि कब्रगाह जो बोलते हैं, तो हम लोग थोड़ा ढूल के भी इसमें चेक करते हैं। सांप का हम लोग डर लग रहा है, लेकिन परी का डर नहीं लग रहा है, ठीक है ना। ए परी आ जाओ, मुझे भी दिखो, तो तुम बिना आदमी को पूछे दिखते हो, आज मुझे तुमको देखने का मन है, आके दिख जाओ। ए परी आके दिख जाओ, कहाँ से दिखेगा यार, जब यहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं है, जब यहाँ पे कोई परी ही नहीं है तो क्या दिखेगा। मैं बस एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जो आदमी बोलता है कि ये होता है वो होता है, नहीं होता है, जब तक कि आप कोई साधना नहीं करेंगे कोई प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको कोई परिया नहीं दिखेगी, ठीक है ना। देख सकते हैं आप, और मैं क्या ही दिखाऊँ आपको, जितना मुझे दिखाना तो उतना मैं आपको दिखा दिया।
और बाकी मैं इसको पूरा दूर से जो लोकेशन दिखाता हूँ, और एक मिनट चढ़ जाने दीजिए मुझे, ठीक है ना, क्योंकि मैं बिना हिसार और कवच के आया हूँ, मुझे तो कोई चीज़ कर नहीं पाया, और अकेले आया हूँ, ना ही मैं अपने साथ कोई आदमी को लेकर आया हूँ, मैं अपने हाथ से ही ये वीडियो कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जो इसका दूर से जो इंटरफेस दिखता है, वो इंटरफेस मैं आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ, क्या ही इसका इंटरफेस है, क्या ही इसका क्या चीज़ है, मैं दिखा सकता हूँ। ये दूर से इसका इंटरफेस देख सकते हैं आप लोग, जो कि रात में सुना है बहुत डरावना दिख रहा है। वो जो पेड़ दिख रहा है ना जो सामने बहुत बड़ा सा, देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, एक मिनट, ये जो पेड़ दिख रहा है ना, ये जो डाली आप लोगों को दिख रहा है, ये जो इसी पर मैंने सुना है, और मैंने सुना भी नहीं है, एक बार मैं भी ये घटना को थोड़ा सा देखा था, लेकिन मैं अंदर रात कर दिया, कोई शायद बंदर चिड़िया भी होगी तो हिला सकती है, क्योंकि इस पर से मुझे कुत्ता का भी रोने का आवाज़ आ सकता है या सुनाई मुझे देता था, लेकिन फिर भी हम उस बात को नहीं लेंगे, यहीं पे हम वीडियो अब समाप्त करने जा रहे हैं। मेरा कहने का बस यही उद्देश्य है कि आप लोग इतना चीज़ देख सकते हैं कि क्या ही चीज़ है और क्या है। तो यही आज का वीडियो था पीके इस साधना पे। जो भी मेरे भाई नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस पर हर एक चीज़ आप लोग को बताते हैं, इसलिए ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं। यही आज का था वीडियो, और इधर का थोड़ा सा इंटरफेस दिखाया था, ये जो रास्ता है यहीं से आता है वो रास्ता, मतलब इधर से आप इसको जा कर देख सकते हैं या कर सकते हैं, ठीक है ना, और इधर से भी मतलब बहुत से आदमी आते हैं, बहुत ही डरावना जगह है, बहुत ही इत्यादि, बहुत ही चीज़ बड़ा बड़ा इसमें चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये जैसा कि ये रास्ता है, तो मेरा कहने का बस एक ही मतलब है कि यहाँ पे कोई परिया कोई जिन्नात नहीं रहता, ये सारा चीज़ फेक है, क्योंकि अगर परिया यहाँ पे रहता तो यानी कि हम दूसरा भी चीज़ फाइनल कर लिए हैं, हम लोग को ये चुनौती मिला हुआ था कि आप अगर चाहें तो वहाँ पर आप अकेले जाकर देख सकते हैं, जो कि हम अकेले भी आए हैं, मुझे कुछ दिखा भी नहीं है, यही इंटरफेस है, यही जो बड़ा पौधा है, ये जो बड़ा है, और यही आज का वीडियो था। तो जी नमस्कार, जय माता दी।